राधे राधे दर्शकों, कृपा शक्ति आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीन्स क्रैम्प या नसों के चढ़ने पर हम कौन कौन से घरेलू उपचार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है बर्फ की सिकाई। शरीर के जिस भी हिस्से की नस चढ़ी है उसकी कम से कम 3 से 15 मिनट तक बर्फ की सिकाई करें। इसके साथ ही तेज दर्द होने पर आप नमक की पोटली बनाकर गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। दूसरा है तेल की मालिश। सरसों के तेल को हल्का गुनगुना कर लें और उसे हल्के हाथों से प्रभावित जगह की मालिश करें। इससे आपकी मांसपेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं और दर्द में भी काफ़ी राहत मिलती है। तीसरा है नमक का सेवन। कभी कभी शरीर में सोडियम की कमी से भी नस चढ़ने की परेशानी हो सकती है। ऐसे में जब नस पर नस चढ़े तो हथेली पर थोड़ा सा नमक रखकर चबाएं। इससे आपको खुद फर्क महसूस होगा। शरीर में पोटेशियम की मात्रा घटने से भी नस पर नस चढ़ सकती है। इसके लिए केला बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा शकरकंद, संतरे का जूस, चुकंदर, आलू, खजूर, दही, टमाटर, पुदीना और हल्दी वाले दूध का सेवन नस चढ़ने की समस्या को दूर कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए कृपा शक्ति आयुर्वेदा के साथ। आखिर कब तक दवा खाएंगे? अपनाइए कृपा शक्ति। दवा छोड़े, जिंदगी बचाए, कृपा शक्ति अपनाए। सभी रोगों की एक दवा, कृपा शक्ति आयुर्वेदा। अगर आप रोगों से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो अपनाइए कृपा शक्ति।